हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू। तो आपको इस पार्ट को समझने के लिए आपको पार्ट वन वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम और कुछ आगे इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 12 की दर से कुछ केले खरीद कर सॉरी 12 की दर से केले खरीद कर 5 रुपए के 8 की दर से बेच दिए हों तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करो। फ्रूट सेलर इस परचेस 10 रुपीस एंड है सेल 5 रुपए के 10 की रेट से, तो उसमें आपको परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बने गए। सबसे पहला तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है जिसे हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 10 रुपीज़ और 12 रेट है ना, और यहाँ पे दिया है 5 रुपीज़ और 8 रेट। तो रुपीज़ और रेट दो चीज़ें हो गई। तो हमको निकालना कैसे है, रुपीज़ के दम पे निकालना है कि रेट के दम पे निकालना है? तो मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रेट के दम पे ही निकालें, क्योंकि यहाँ से गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो देखते हैं रेट के दम पे हम कैसे निकालते हैं। तो एक साइड ले लो आपका परचेसिंग, इधर हम लोग खरीद रहे हैं, इधर हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खरीद रहे हैं 10 रुपए में 12 किले। तो एक किले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक किला कितने का हो जाएगा, 10 रुपए के हैं 12 किले, तो एक किला कैसे हो जाएगा, 10 बाई 12। इधर भेज दिए नीचे, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 5 बाई 6, तो 5 बाई 6 रुपए का 1 किला हो गया जिसको हमने खरीदा। और वैसे बेचेंगे कैसे, 5 रुपए में 8 किले, तो 1 किले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 बाई 8 रुपीज़। 1 किले का मूल्य इतना हो गया, इतने 5 बाई 6 में हमने खरीदा और 5 बाई 8 में हमने बेचा। तो देखो बेचने वाला बड़ा है कि खरीदने वाला बड़ा है, तो 5 बाई 6 बड़ा है कि 5 बाई 8 बड़ा है। तो देखो ऊपर तो दोनों का 5 बाई 6 और 5 बाई 8 में देखो ऊपर, तो ठीक है न्यूमरेटर 5 5 जो है सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है 6 और 8, तो 8 यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए नीचे बड़ा है तो यही वाला ही छोटा होगा। तो ये हो जाएगा छोटा, ये हो गया बड़ा। ठीक है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, कॉस्ट वाला बड़ा हो गया और सेलिंग वाला छोटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हानि होगा कि लाभ होगा? तो देखो क्रय ज़्यादा हो रहा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, हम किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। तो होगा यहाँ पे हानि, तो ये हो जाएगा हानि का परसेंट निकलेगा। हानि कितना होगा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम परसेंट निकाल लेंगे। हानि कितना होगा, 5 बाई 6 में 5 बाई 8 को बता देंगे, तो 8 से कर लो मल्टीप्लाई कर लो 40 और इधर 30, तो 10 बाई 8 × 6, तो 2 5 3, तो 5 बाई 24। ये तो हो गई हमारी हानि, तो हानि का परसेंट पूछा है तो उसको परसेंट निकालेंगे। हानि का परसेंट कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज़ का परसेंट किस में निकलता है, कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकलता है। तो 5 बाई 24 कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 5 बाई 6, और मल्टीपल करते हैं 100 का,
ठीक है, तो 5 5 कट जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 बाई 24, 6 भी कटा सकते हैं, इसे भी कटा सकते हैं, 24 फोर डिवाइड करें 4 से, 4 से फिर कितना हो जाएगा, 4 नीचे में है, 1 बाई 4 हो गया है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं बी हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें देखो, एक दुकानदार है, एक बनिया है, बनिया ने 1 रुपए में 8 की दर से कुछ बिस्कुट खरीदा है। ठीक है, बिस्कुट बिस्कुट है ये, एक बनिया ने 1 रुपए में 8 की दर से कुछ बिस्कुट खरीदे हैं और 60% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपए में कितने बिस्कुट बेचने होंगे। ठीक है, 1 रुपए में 8 की रेट से कुछ बिस्किट परचेस किया और 60% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए में उसको कितने बिस्कुट सेलिंग करने होंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, रेट आ रहा है, यहाँ पे भी रुपीज़ की बात हो रही है और यहाँ पे भी दर की बात हो रही है, तो हमको निकालना है दर के हिसाब से। ठीक है, तो 1 रुपए में 8 की दर से, ठीक है, 8 बिस्कुट बराबर 1 रुपए, तो 1 बिस्कुट कितने रुपए का हो जाएगा, 1 बाई 8 रुपए का। ठीक है, 1 बिस्कुट 1 बाई 8 रुपए का होगा और उसी बिस्कुट में क्या कमाना है, 60% लाभ कमाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये 1 बाई 8 जो है 100% है, तो उसका 60% प्रॉफिट कमाना है, तो 60% निकाल के इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो या 160% भी कर सकते हैं, 160% निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, 100 प्लस 160, तो 160% मतलब 160%, ये 100 प्लस 60 से बना है 160%, और ये परसेंट का वैल्यू ही 1 बाई 100 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कटा सकते हैं 8 से 2 बार और 2 से फिर कितना है, 5 बार में कट जाएगा, 1 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बिस्कुट का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 रुपीज़, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बिस्किट, और इधर हो जाएगा 1 रुपये, और हमारा आंसर यहीं से आ रहा है, 1 रुपए में कितने बिस्कुट उसको बेचने होंगे, तो 1 रुपए में हम कितने बिस्कुट बेचने होंगे, 5 बिस्किट, तो 5 बिस्किट अपना आंसर हो गया, बी आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन ये दिख रहा है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 थिंग्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 थिंग्स, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, 12 वस्तु है और 10 वस्तु है, 12 वस्तु और 10 वस्तु, सबसे पहले हमने बताया था परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस किसके बेस पे निकलता है, या तो वस्तु के बेस पे हो सकता है, या फिर वस्तु के बेस पे हो सकता है, या फिर किसके बेस पे हो सकता है, रुपीस के बेस पे हो सकता है, लेकिन हमको किस बेस पे दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वस्तुओं के बेस पे। ठीक है, तो रुपीस के बेस पे अभी तक निकालते आ रहे हैं हम, तो रुपीस के बेस पे निकालते हैं, तो हम बेस किसको लेते हैं, हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस को बेस लेते हैं।
ठीक है, सीपी को बेच लेते हैं। सीपी को हम हमेशा नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी को रखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर माने हर में रखते हैं, और वस्तु के बेस पे लेते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा इसको लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख के भी बता सकते हैं इसे। देखो, हमको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है ये देखते हैं। 12 और 10 एक साइड है कॉस्ट प्राइस, एक साइड है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक साइड है 12, एक साइड है 10, है ना। तो हमेशा कॉस्ट में सेलिंग घटाओ या दोनों में से किसी में से घटा लो, आपस में घटा लो इन लोग को, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। 12 माइनस 10 कर लो, दोनों का डिफरेंस हम लोग 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को अब परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, हम अभी पर अभी ये चीज़ बताए हैं, कॉस्ट प्राइस के बेस पे निकालते हैं, सॉरी सेलिंग प्राइस पे इसमें निकालते हैं। अगर वस्तु हो तो यहाँ पे वस्तु दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 बाई डिनोमीटर में क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 10। 10 सेलिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो 10, तो 2 बाई, और क्या परसेंट लगाते हैं हमेशा यहाँ पे, रेट को गुणा कर लेते हैं, तो 10 से तो ये हो जाएगा 20%। और ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो और भी इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।